हेलो, कैसे हो? तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करें आज का ब्लॉग। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम। कैसे हो भाई लोगों? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। प्यारे दोस्तों, आज अपन निकल रहे हैं, अभी कुछ छोटा मोटा काम है, तो काम निपटा के अपन चल रहे हैं। अभी आपको एक शानदार सी जगह लेकर चलने वाला हूँ, शानदार सी राइड करेंगे अपन। 45 मिनट की राइड है, उसके बाद आपको एक शानदार सा सरप्राइज है। तो प्यारे दोस्तों, चैनल पे बने रहो, और अगर पहली बार आए हो अगर मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आप एक एक सब्सक्राइब करोगे धीरे धीरे आप भाई आपका आगे बढ़ रहा है और आपको क्या वीडियो देने वाला है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। देखो, अभी साफ बात कह रहा हूँ आपको, आपके भाई को बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, सब्सक्राइबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब करो। और चलिए, अभी अपन चल रहे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ऑफिस के काम निपट गए हैं, तो अभी अपन अपने डोबिनार पे निकल चले हैं। दोस्तों, टाइम हो रहा है 3:00 कुछ हो रहे हैं, और अपन निकलते हैं अपने सफ़र पे। बहुत शानदार सफ़र होने वाला है, बहुत टाइम बाद अपन पूरा राइडिंग गियर पहन कर निकले हैं, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि जब से मेरा पैर टूटा था, उसके बाद अपन ने राइडिंग गियर्स पहन कर कहीं जा नहीं सके हैं। तो दोस्तों प्यारे, आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक। सड़क पर आ चुके हैं। कभी भी अगर आप बाहर से कोई मेरे भाई बंधु आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अपन जहाँ जा रहे हैं उस जगह पर जाने के लिए बांसवाड़ा रूट सबसे बेहतर होता है। बांसवाड़ा का रूट सबसे कैमरे का बैग जो पीछे लग रहा था मुझे, उसको मैंने आगे टैंक बैग बना दिया उसको स्टाइल से। यही होता है एक राइडर और एक कहते हैं ना घुमक्कर प्रजाति के लोगों के लिए, यही होता है, जुगाड़ से काम करना पड़ता है हमें। तो बस वही है दोस्तों, जुगाड़ बिठाया और इसको टैंक बैग बना दिया मैंने, क्योंकि पीछे लगाने से थोड़ा अनकंफर्टेबल सा भी लग रहा था मुझे, और दूसरी चीज डर भी लग रहा था कि यार बाई चांस चेन खुल गई तो अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि अंदर कैमरा पड़ा हुआ है, दो लेंस पड़े हुए हैं, उसके अलावा गोप्रो अंदर पड़ा हुआ है, एक और एक SJ कैम और अंदर पड़ा हुआ है, तो डर भी लग रहा था। इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अब इसको क्या आगे लग देते हैं, जिससे क्या ये एकदम सही फिक्स होके रह जाएगा, तो जिससे क्या अपन फ्री माइंड होके आराम से बाइक चलाने पर कॉन्सेंट्रेशन कर सकेंगे। ये जो द्वार आप देख रहे हैं ना, ये एक ऐतिहासिक जगह पर जाने के लिए बनाया गया टोल नाका है। वैसे रोड काफ़ी अच्छा हो चुका अब तो, और आप हरियाली देखें चारों तरफ, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप इस हरियाली को देखकर, कि बहुत कम ऐसे रास्ते होते हैं जहां पर इस तरह की हरियाली देखने मिलती है। दोस्तों, चारों तरफ घनघोर जंगली जंगल, और इस शानदार जंगल को देखने के बाद में मन ऐसा मुक्त हो जाता है कि यार क्या जन्नत है। दोस्तों बने रहो, आपको जन्नत में लेकर चलते हैं आज। शुरुआत है दोस्तों इस वैली की, जिसको बोलते हैं केवड़ा की नाल वैली। यहाँ से शुरुआत हो रही है इस वैली की मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस खूबसूरत से नज़ारे को देखने के लिए साथ में बने रहे DS के राइडर के, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहा हूँ। नहीं है मेरे पास
बयां करने के लिए इस सुंदरता को। इस सुंदरता को बयां करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास दोस्तों। इस खूबसूरती को किस तरह से बयां करूं। इस जगह रुकने का एक अलग ही आनंद है और यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए एक बार तो रुकना ही पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर आप जन्नत में हो तो जन्नत को देखकर गुजर जाने से नहीं, उस अनुभव और उस जन्नत का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसे महसूस करना पड़ता है। अगर आप केवड़ा की नाल में अगर आए हो तो थोड़ी देर आपको एक 5-7 मिनट रुक के इस जो मौसम है ना और ये जो एक प्रकृति जो है इसको दूर देखो। अगर रोड पे सब गाड़ियां बंद हो जाए तो एक सन्नाटा होता है और एक इसकी आवाज़ को सुनो, कितनी चिड़ियों की चहक और कितने जानवरों की आवाज़ें आती हैं। इस अनुभव को महसूस करना एक अलग ही, मतलब कहते हैं ना, एक अलग ही चीज़ होती है। ऐसा लगता है कि यार यहीं पर रह जाएं या कहीं कितने समय यहीं पर बस जाए, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है। पर कहते हैं ना, इंसानी जीवन है, दुनिया भर की जिम्मेदारी और ज़िंदगी की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें कब कहाँ छूट जाती हैं कुछ कह नहीं। पहुंच गए अपन इस ऐतिहासिक जगह पर और बस अगले कुछ क्षणों में मैं आपको दिखाने वाला हूं वो जगह जो विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ती है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, क्योंकि एकमात्र ऐसी जगह है जो कि कृत्रिम तौर पर ना सही लोगों के द्वारा बनाई गई है। तो दोस्तों, अभी हम जिन सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, ये सीढ़ियाँ वो हैं जिनके ऊपर किसी समय आपने मूवियाँ देखी होगी। कई ऐसी मूवियाँ हैं जो इन जगह पर शूट हो चुकी हैं, कई ऐसी फिल्में हैं जो इस जगह पर शूट हो चुकी है और कई ऐसे गाने हैं बॉलीवुड से लगाकर हॉलीवुड तक जो यहाँ शूट हो चुके हैं। तो आइए, वेलकम टू द प्रेजेंट वर्ल्ड फेमस जयसमंद झील। आपका हाजिर आपका भाई धर्म फ्रॉम DSK राइडर से जयसमंद आइसलैंड झील पर। दोस्तों, देखते हैं अब नज़ारे जयसमंद झील के और इसके बाद में मैं आपको इसका पूरा इतिहास और इसकी डिटेल कि भाई क्यों फेमस है, किस कारण फेमस है और क्या क्या खूबसूरती है यहाँ पर, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चले दोस्तों, देखते हैं कुछ अच्छे से शॉट। बस दोस्तों, एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस नज़ारे को बस एक अनुभव करें आप, क्योंकि ये जो खूबसूरती है ना, ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इस खूबसूरती को देखने के लिए लोग हजारों किलोमीटर से यहाँ पर आते हैं, गुजरात से, MP से, महाराष्ट्र से आए दिन हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो जो आप देख रहे हैं, ये सारी सीढ़ियाँ आपने कई मूवियों में इनको देखा होगा। ऊपर जो महल दिख रहा है
वो रूठी रानी का महल कहला जाता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देता हूँ। चलिए मिलते हैं। दोस्तों छोटे छोटे ऐसे इस तरह के व्यवसाय भी हैं, जो मच्छियों को मक्की डालना, आटे डालने का, बोटिंग और इसके अलावा फोटोग्राफी वगैरह का भी काम यहाँ पर चलता रहता है। तो काफ़ी लोगों का व्यवसाय यहाँ से जुड़ा हुआ है और आपने देखा कि काफ़ी मात्रा में यहाँ छोटी 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 मछलियाँ मिल रही है और मछलियाँ होती हैं। तो आसपास के ग्रामीण एरिए के लोगों के लिए ये एक तरीके से वरदान साबित हुई है जैस्मिन जिल। और जैस्मिन जिल का इतिहास क्या, इस बारे में अपन अभी ऊपर चलते हैं, कहीं शांति से बैठते हैं और फिर अपन बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर आपका भाई धर्म फ्रॉम DSK राइडर से। इस जो जैस्मिन लेक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये तो अभी तक परफेक्टली किसी को पता नहीं है। गूगल कुछ और बता रहा है, यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं, पर इसकी स्थापना जो है ढेबर नाम का एक व्यक्ति था जो कि गुजरात से आए थे और उन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक की बनाने के लिए उन्होंने काम सबसे फर्स्ट चालू उन्होंने किया था और उन्हीं के नाम पर इनको इसका कुछ और नाम भी है गुजरात में। जैसे इस नाम मैंने देखा अभी और कुछ यहाँ गुजराती लोग भी अभी मुझे मिले तो उन्होंने बताया गुजरात में इस झील को ढेबर के नाम से भी जाना जाता है और अपने राजस्थान में इसको जैस्मिन कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल बोले तो पर्टिकुलर एरिया कवरिंग के हिसाब से एशिया में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि मानव निर्मित है। और उसके अलावा इस झील में 99 नाले और 9 नदियाँ आकर यहाँ पर आकर ख़त्म होती है। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी बीच बीच में आइलैंड है छोटे बड़े, तो आइलैंड की संख्या पर्टिकुलर किसी को मालूम नहीं है, पर क्या है कि जब भी राजस्थान GK का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर कुछ आइलैंड है वो फेमस हैं, तो उनके बारे में बताया गया है कि क्या क्या उनको कौन कौन से जो आइलैंड है जो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है और सबसे छोटा आइलैंड कौन सा है, उसके बारे में बात अपन फिर कभी और करेंगे। तो अब प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं क्योंकि टाइम कितना हो चुका है मैं आपको बता लेता हूँ। टाइम हो चुका है 5:08, तो अब अपने को उदयपुर के लिए निकलना चाहिए क्योंकि अपने को जो टाइम लिमिट थी अपनी, जिस टाइम के लिए अपन आए थे कि भाई इतने टाइम तक अपने को वापस उदयपुर पहुँचना है, तो वो टाइम लिमिट ख़त्म हो चुकी है। अब दोस्तों अपन निकलते हैं उदयपुर के लिए और कुछ छोटे मोटी अगर चीज़ें रह गई हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा, और अपने स्तर से मैंने काफ़ी अच्छा करने की कोशिश की है पर कुछ कमियां अगर रह गई हो तो अगली बार ज़रूर सुधारेंगे। ना जैस्मिन कहीं जा रही है ना आपका भाई कहीं जा रहा है। तो बस दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारा भाया चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उदयपुर की ओर, प्रस्थान करते हैं अपनी डोमिनार पे, बाकी की बातें उसी पे करते हैं। चलो मिलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, अब अपना काम हो गया, धार्मिक काम था वो भी हो गया और अपना YouTube का जो काम था वो भी हो गया। ये जो इस तरह के आप जो रोड देख रहे हैं काफ़ी डेंजर रोड है ये। अभी अपन तो यूँ समझ लीजिए थोड़ा सा ऊपर चढ़े थे, सिर्फ एक मुड़ा बाकी, इससे आगे काफ़ी डेंजर रोड है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। काफ़ी घुमावदार और सिंगल पट्टी रोड है, सिर्फ ये तो इतना सा चौड़ा सा रोड है और बिल्कुल सिंगल रोड है और एक समय में एक ही गाड़ी जा सकती है या आ सकती है, ऐसा सिस्टम है। तो कभी आप आएँ और आपको ऐसा ख़तरनाक एडवेंचर करने का मूड हो तो आप ज़रूर जैस्मिन से आगे जाएं। आगे से भी एक रूट और है जो वाया जगत होकर जाता है, पर अभी अपन उस रूट पे नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें 30 किलोमीटर का फ़र्क है, 30 किलोमीटर दूर पड़ता है उदयपुर। और कभी आपको घूमने की इच्छा हो कि भाई चलो घूम के एंजॉय करके आएंगे तो आप ज़रूर जा सकते हैं, परंतु ऐसे तो नहीं मज़ा आएगा, तो ग्रुप के साथ में ही आएँ
या फिर फोर व्हीलर हो या अकेले भी आए तो ज़रूर जाएं। और आपका भाई भी आपको लेकर चलेगा अगले टाइम। अभी अपन ने जो दिखाया वो मैंने आपको 50% चीज़ दिखाई है, 50% चीज़ और दिखानी थी पर मैं पैदल चल नहीं पा रहा था ज़्यादा क्योंकि मेरे पाँव में तकलीफ है। और अभी पाँव पूरी तरीके से आप देख सकते हैं सही हुआ नहीं, अभी भी मैं पट्टा बांध के ही घूम रहा था। तो इसीलिए अगली बार अपन जब भी आएंगे तो मैं आपको ऊपर एक ऐतिहासिक जगह और है वहाँ पर लेकर जाने वाला हूँ, और उसका इतिहास इस जैस्मिन झील से भी पुराना है और इससे शानदार इतिहास है। तो दोस्तों बने रहना चैनल पर, चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाजिरा आपका भाई धर्म फ्रॉम डीएसके राइडर से। फाइनली अपन घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचने के बाद में अब कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, ब्लॉग को एडिट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज ही अपन इस ब्लॉग को डालें, वरना कल सुबह 11 बजे और 3 बजे दो टाइम है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब रूटीन से रेगुलरली आपको ब्लॉग मिलेंगे और अपनी जो सीरीज स्टार्ट होने वाली हो सकता है कल से अपन उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके लिए जो तैयारी करनी पड़ती है तो उन तैयारियों के तहत काम चालू है। तो जल्दी आपको सीरीज स्टार्ट मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।